जिम ज्यादा जल्दी नहीं आ गया भाई। आते हैं भाई, भाई अपना माइंड सेट चेंज रखो, सुबह 4 बजे उठो और जल्दी जिम जाओ। बिल्कुल एक अपडेट देना था। आज 22 मार्च यानी कि मसल ब्लेस के ग्रेट परफॉर्मेंस सेल 4.0 का लास्ट डे। अमेजिंग ऑफर्स हैं, बढ़िया कॉम्बोज हैं एंड बहुत हैवी डिस्काउंट्स हैं। अभी जाओ एंड सेल के लास्ट डे का फायदा उठाओ। लड़ने तो फगवा निकला भाई, अरे गजब यार। तेरी खतरनाक सेटिंग है। सुन तो, एडिटिंग तो भाई तो मैं देख रहा हूँ कोलाज बना रखा है भाई। धन्य अबाउट योर रिलेशनशिप, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारे संबंध को कितने, अरे चल हिंदी में बोलूं, ते संबंध के कितने साल हो गए भाई। अंडे लगा के स्थिति हो गई यार, 15 अंडे खत्म करे अभी, 5 बॉल और 10 एग व्हाइट्स। नींद आ रही यार यार, एक तो पता नहीं चल रहा सुबह जाने का क्या मतलब हुआ। कल दिन में तो पूरा नींद ही नींद आती रहती है यार, बड़ा मुश्किल से खुद को जागे रखता हूँ यार, फिर भी नींद आती है। खैर आज तो इतनी नहीं आ रही, लेकिन अभी खाना खा लिया ना तो अब आ जाएगी। कौन बैठा है, ये तो कोई काला सा बच्चा है। तो जैसा कि अपन ने वीडियो के टाइटल में देखा कि वीडियो है हार्ड गेनर्स के लिए, जो स्किनी है, जो गेन नहीं कर पा रहे। मेरे को बहुत सारे इंस्टा पर मैसेजेस आते हैं कि कोई टिप्स दे दो, डाइट बता दो, बल्कि मैं बना चुका हूँ डाइट वगैरह की वीडियोस एंड टिप्स भी काफी हद तक दे चुका हूँ। तो उनका ये कहने का मतलब होता है कि मेरे को कोई भी एक ऐसी टिप दे दो जिससे वेट गेन हो जाए। तो सिंपल सी है बात कि यार डाइट है ना कोई, अगर मैं आपको चार्ट बना के भी दे दूँ ना तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आपने है ना अपनी स्किनी हो और है ना इतने टाइम से अगर बिल्कुल भी डाइट, स्किनी ऑब्वियसली तभी हो क्योंकि तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तो कोई भी डाइट चार्ट मिल जाए तुम एकदम से उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अपनी जो मील्स हैं, अगर 2 मील भी खा रहे हो ना तो उसको फुल होके खाओ, मेरा यही टिप रहेगा। 3 मील खा रहे हो, 4 मील खा रहे हो, प्रॉपर फुल होके खाओ एंड जो चीज ना खा पाओ उसको है ना जबरदस्ती खाने का ट्राई करो। ये एक टिप रहेगा मेरा वेट गेन के लिए। और वर्कआउट के लिए मैं बोलूंगा कि वर्कआउट में ऐसा कुछ सबका चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी स्प्लिट है, पुश पुल लेग्स है, ब्रो स्प्लिट है, अभी फिलहाल मैं आर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। वो तो अपने अपने ऊपर है, जिससे आपको मजा आया आप वो फॉलो करो। बट डाइट में मेरा यही टिप रहेगा ना फुल होके खाना है कि लाइक आपको वॉमिट आने लग जाए। उतना जब खा लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक अपने अंदर एनर्जी फील होने लगेगी एंड वेट गेन होने लगेगा। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन का कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि आपको इतने टाइम में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि मेरे को अगर इतने टाइम में मिले तो आपको भी इतने टाइम में मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है मेरे को जितने टाइम में मिले आपको उससे जल्दी टाइम में मिल जाए अगर आप सीरियस होकर कर लो तो। रिजल्ट अपन को 1 महीने में भी मिल जाते हैं, 3 महीने में भी मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कितना डेडिकेट हो गए उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो उस पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, कंपैरिजन में मत ध्यान दो। किसी भी बॉडी बिल्डर की एकदम से डाइट फॉलो मत करने लग जाए करो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि तुम देखो कि अगर वो 5 स्कूप वे प्रोटीन पी रहा है तो तुम भी 5 पियोगे तब तुम्हारे बॉडी में चेंजेस आएंगे। तुम घर के खाने से भी अगर तुम वे प्रोटीन नहीं भी लोगे तो भी तुम्हारे चेंजेस आ सकते हैं, तुम क्रिएटिन नहीं भी लोगे तो चेंजेस आ सकते हैं। ये एक सप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे अपन एग्जाम में सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं वैसे ही होते हैं ये। आप इनको अलग से ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, बट सिर्फ इन पे ही डिपेंड नहीं हो सकते कि आपने देखा क्रिएटिन ले लूँगा मेरी बॉडी बन जाएगी। क्योंकि मेरे पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे को क्रिएटिन से कितने दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। क्रिएटिन या प्रोटीन जो भी ले लो, डाइट नहीं लोगे ना तो 5 साल भी ले लो तो भी रिजल्ट नहीं आने वाले।
तो सिंपल सी बात है, अपनी जो मेन चीज है जो डाइट है, फूड है, उस पर ध्यान लगाओ, उसके बाद सप्लीमेंट्स में जाना। एंड सप्लीमेंट्स ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगे, बट अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो मेरी यही टिप्स है कि सप्लीमेंट पे एकदम से जंप करने से पहले ये ध्यान रखना कि आपकी डाइट अच्छी है कि नहीं, वरना आपका सप्लीमेंट से ही भरोसा उठ जाएगा, रिजल्ट नहीं दिए तो। अगर आप ये बोलोगे कि यार ये तो रिजल्ट ही नहीं देता है, तो बेकार सप्लीमेंट है ऐसा वैसा, तो सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी करो, अपनी मील्स लो प्रॉपर। बाहर घूमने जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अपनी मील्स प्रॉपर करके जाओ। तो ये थी मेरी एक छोटी सी टिप, इसको फॉलो करो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कल मेरा वर्कआउट है, कल मैं मारूंगा शोल्डर एंड आर्म्स, तो शोल्डर एंड आर्म्स प्रॉपर ट्रेन करते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं ठीक से शूट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अपना ट्राइपॉड, मेरा क्या खो गया था, मिल नहीं रहा था, जो मेरा ट्राइपॉड है मेरे बैग में आ जाता है, क्योंकि बड़े ट्राइपॉड बैग में नहीं आ पाते, एंड जिम में मैं नहीं रखता क्योंकि पता नहीं खो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए है ना, मेरा ट्राइपॉड मिल गया है, तो मैं अब शोल्डर एंड आर्म्स का प्रॉपर वर्कआउट डालूंगा अच्छे से। तो मिलते हैं कल के वर्कआउट में, तब तक के लिए